बस जय दादा परशुराम की क्या हाल चाल है भाई? सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आई होप आप सब अच्छे होंगे भाई। गाइज, आप लोगों ने ना मतलब यार इस सीजन में मौज कर दी भाई, कसम से मेरे भाई। इतना प्यार दिया भाई, इतना प्यार दिया इस सीजन में भाई। काइट फाइटिंग इतनी जबरदस्त तरीके से करी आपने भाई, मैं क्या बताऊँ, मौज ही तो कर दी। मतलब आप लोगों ने वो काम करके दिखाया जो कि मैं अब से 4 5 साल 6 साल पहले देखूँ था कि हाँ भाई बड़ौत में ऐसी काइट फाइटिंग होनी चाहिए। अब से 2 साल पहले सोच रहा था मैं, चीज़ पहले से देखता हुआ रहा था, पहले से कोटन मानी चलते थे तो उस टाइम पे बड़े बुजुर्ग आदमी भी उड़ाते थे, बढ़िया एकदम काइट फाइटिंग होती थी। लेकिन अभी कुछ टाइम से ये प्लास्टिक के मांझों से बड़े बुजुर्ग तो हाथ लगाना ही छोड़ दिया। अब बच्चे ही काइट फाइटिंग करते हैं, थोड़ा बहुत यंगर जो है वो भी काइट फाइटिंग करते हैं। तो भाई पिछले 2 3 सालों से इतनी तो काइट फाइटिंग नहीं हो रही थी, हम भी प्रयास में थे। लेकिन इस सीजन में तो भाई आपने भाई बस जो मैंने कह दिया भाई वही करके दिखा दिया आपने भाई। सैल्यूट है भाई वो दिल से। तो इसी बात की मारी भाई, आपने इतना प्यार दिया भाई, हमारा भी फर्ज बना है भाई आपको कुछ देने का, या नहीं मानते? तो भाई आज का वीडियो होने वाला प्रॉपर काय पे गिव वे पे। और भाई गिव वे भी ऐसा वैसा नहीं करेंगे, गिव वे भी ऐसे मानजे पे करेंगे जिनने इस सीजन में धूम मिठा दिए। तो गिव वे होने वाला भाई थंडर वॉर पे आपका। और इस सीजन में थंडर वॉर ने भाई तहलका तो मचा दिया। मतलब जो अपना आपको प्लास्टिक मांझों के तुर्रम खां मानने थे, उन्होंने हमसे आगे चैलेंज कहा कि भाई हमसे आगे लड़ाई हो, हम देख लेंगे कितना बड़ा ठंडर हो रहा है। तो भाई ज़्यादा देर तक टिकट नहीं दिया, सिर्फ 10 से 15 सेकंड ही ऊपर गिर गया, छोड़ कर चला दी साड़े मकर लकर लगे गए भाई। औकात पता लगी, गर्मा का मंजा देखा, उड़ती पतंग कहाँ भाई इससे काटी भाई, सर झुका के गए वे भी कि हाँ भाई मान गए उस्ताद। तो इसी का ही हम ठंडर वॉर का गिव वे करेंगे। और ये गिव वे बड़ा ही अलग होने वाला, यूनिक होने वाला, बेहतरीन एक नंबर का। कैसे होने वाला आप सुनो, इंस्टाग्राम पर जाके सबसे पहले तो आप मुझे फॉलो कर लो, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल भी सब्सक्राइब कर लो। देखो भाई इतना प्यार दिया आप लोगों ने भाई, थोड़ा सा और करो क्योंकि अभी जर्नी छोटी है, इसे और जगह इसे और बड़ी बनानी भाई आप लोगों के सपोर्ट से। ठीक है, ओके गिवे के जो भाई विनर है वो मैं इंस्टाग्राम पे उठाऊंगा, इंस्टाग्राम पे ही करूंगा सब कुछ। अब बताऊंगा मैं तुम्हें क्या क्या होने वाला गिवे में, प्रोसेस क्या होने वाला। सुनो ध्यान से, कान खोल लो, आंख खोल लो, दिमाग खोल लो, सारे भाई बैठ जाओ एकदम। ठीक है भाई, तो भाई बाबा की दया है, सारा प्यार बना रहा है भाई, और कुछ नहीं चाहता। और अब सुनो क्या करना था, मैं इंस्टाग्राम पे भाई मैं एक पोस्ट डाल लूँगा, पोस्ट भी उसी मंजे की डाल लूँगा जिनने तहलका मचाया थंडर वार की। ठीक है, उस पोस्ट पे जाके आपको कमेंट करना, ठीक, फॉलो तो करना ही करना इंस्टाग्राम पे, कमेंट भी करना उस पोस्ट पे, और भाई चैनल भी सब्सक्राइब कर लियो, दो स्टेप पूरे हो गए। अब बात यह है कि वहाँ से मैं कोई 12 लकी कमेंट उठाऊंगा ऐसे जो कि भाई आगे जाएंगे। ठीक है, वे पूरी इंडिया में है या पूरे वर्ल्ड में, कोई भी 12 हो सके। होना क्या है, होना यह है कि उन 12 के बीच में एक मैच ऑर्गेनाइज कराऊंगे हम। ठीक, जो भी भाई उन 12 में से जीतेगा, एक जो जीत का होगा निकट गया उसे भाई थंडर वॉर की 6 रील की चरखी भरी हुई बेहतरीन तरीके से वह गिफ्ट में मिलेगी। और वे 12 कहीं के भी हो सके हैं, अपने बड़ौत के भी हो सके हैं, खेकड़ा के भी हो सके हैं, दिल्ली के, सहारनपुर के, मेरठ के, उड़ीसा के, मुंबई के, गुजरात के, कहीं के भी हो सके हैं। तो जिसके भी मुझे कमेंट बढ़िया लगे तो उनकी मैं वहां पे एक लिस्ट बनाऊंगा कि भाई ये 12 नंबर, ये 12 मेंबर मैंने चुने हैं, इन 12 के बीच में मैच होना। उन्हें स्पेशली इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दिया जाएगा भाई इस दिन संडे के दिन ही होगा या मैच, संडे के दिन ही कराऊंगे, इस दिन मैच है, आपको इस लोकेशन पे पहुंचना। ठीक, और वहाँ मतलब लुत्फ़ उठाना गेम का, समझ में आ गई बात? ऐसा नहीं करेंगे कि भाई आप लोगों ने कमेंट कर दिया इंस्टाग्राम पे और भाई मैंने देखा, अच्छा भाई चलो भाई मारो रैंडम कमेंट अभी कर, कौन सा नहीं कटा भाई, नहीं कटेगा साढ़े का पतंग उड़ानी चाहती ना हो इस पर भाई, नहीं कटेगा ऐसे तो काम खराब हो जाएगा भाई। तो खिलाड़ियों को ही मिलेगा, और वे जो लकी होंगे 10 12 कमेंट उनमें भाई बढ़िया काइट फाइटिंग होगी। अब रूल यह है जब भी हम मैच, जब मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा कि भाई देखो ये 12 नंबर, ये 12 कमेंट है जो हमने उठाए थे, ये भाई सब इस लोकेशन पे पहुंच जाए इस दिन इस तारीख को, और उसके बीच हम मैच कराएंगे, उसके ऊपर भी पहले एक वीडियो आएगी। लेकिन या जो इंस्टाग्राम की पोस्ट है या कल अपलोड हो जाएगी या साथ के साथ अपलोड हो जाएगी भाई। ठीक है, अब इस पोस्ट पे जाकर कमेंट कर दो बढ़िया बढ़िया से, सभी भाई मिल गए। अब देखते हैं कौन है ये 12 लकी कमेंट जो आगे जाकर मैच खेल लेंगे।
ठीक, मैच कैसा होगा वो सुन लो। मैच होगा खींच खींच का, ढील की कोई पतंगबाजी नहीं होनेगी, खींच की पतंगबाजी होगी। अपना मन जलाना, अपनी पतंग लानी, समझ गए? कॉटन मांझा ही उड़ना, कोई भैया वहां पर प्लास्टिक मांझा लेकर आगा तो भैया हाथ जोड़ के निवेदन है वो गेम तक तभी के तभी बाहर कर दिया जाएगा। अगर 12 में से 6 लोग प्लास्टिक के मंजे ले रहे हैं या 6 लोग कॉटन के ले रहे हैं, फिर उन प्लास्टिक वालों की वहां पे बिल्कुल भी एंट्री नहीं है। 6 जो कॉटन वाले हैं उन्हीं के बीच में गेम खेला जाएगा, मैं पहले बता रहा था मैं कभी सामने को। और जो कोई नु कहता हो भाई हमारे पास तो ढीली आ गया, हमारे पास तो खींच आती नहीं, तो भाई ये तो ऑटोमेटिकली बाहर चले जाइयो पहले से, क्योंकि भाई ढीली की पतंगबाजी में ऐसा है सिस्टम, जल्दी जल्दी नहीं आता, बहुत लेट रिजल्ट आवे, या तो थारे अंदर बहुत ज्यादा स्किल होनी चाहिए जो तुम 1 मिनट के अंदर रिजल्ट काट कर दे दो, क्योंकि अभी मुझे पता है इतना नहीं होने का थारे पे, अभी हमारा भी स्टार्टिंग है तो हम खींच का ही पैच कराऊंगे, ठीक है? और ये सब चीज़ें वहीं बताएंगे हम कि भाई खींच में कितने पैंच होने और कितने पैंच काट के कौन विनर बनेगा, ये सब हम फील्ड पे ही बताऊंगे, ठीक है? लेकिन फिलहाल तो जो आज का गिव वे है वो ऐसा ही होने वाला है कि जाके इंस्टाग्राम के पोस्ट कर दियो और चैनल को सब्सक्राइब कर दियो, और देखते हैं कौन है 12 लकी विनर जो आगे आवेंगे, जो कि आगे जाकर मैच में धुम्मत आएंगे, उनके बीच में मैच होगा बढ़िया वाला। तो मेरे भाई धुम्मत आ दो, और मैं तो ये उम्मीद करूँगा अपने जो बड़ौद के भाई है सबसे ज़्यादा कमेंट वही करें, ठीक है? आसपास गांव के हो, कहीं के हो, अब बाहर के भी हो, कोई दिक्कत नहीं, खूब कमेंट करो, जिसके कमेंट मुझे बड़े लगेंगे मैं उसे ठामा। कोई यहाँ पे मैं वो नहीं करने का भाई पार्शियल वाला गेम कि भाई नहीं ना तुम जानबूझ के उठा लिया, नहीं, जो बढ़िया लगेगा मैं वो उठाऊंगा, चाहे वो कहीं का बंदा हो, लेकिन आना पड़ेगा तुम्हें। फिर अगर मान के चलो 12 बंदों में थे, 6 बंदे तो आसपास के आ गए या 7 आ गए, और 5 बंदे हैं बाहर के, अब वे नहीं आ पा रहे, तो उन 7 बंदों के बीच में गेम होगा। फिर कोशिश करना कि सारे भाई आवे 12 के 12, मज़ा तो तभी आओगे भाई, ऐसा मज़ा नहीं आने का। लाडले भाई एक बात और सुन लो ध्यान से, आज है 29 तारीख, 30 तारीख तक आप बस कमेंट कर सकते हो। 30 तारीख के बारे में जो भाई कमेंट करेगा वो मान्य नहीं होगा। 30 तारीख में जितने भी कमेंट आ गए अगले दिन उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा कि भाई इन्हीं कमेंट में था 12 विनर, 12 लकी कमेंट ये है, और ये टूर्नामेंट खेलने के आगे, ठीक है? ध्यान रखो ये बात, 30 से 31 नहीं होनी चाहती। 30 तारीख में जितने तुम्हें कमेंट करने कर लो, एक ही आदमी एक कमेंट करेगा, ये नहीं कि दो दो तीन तीन कर रहा, वो मान्य नहीं होगा, ध्यान रखियो। एक चीज़ और भाई, ये सोच के मत बैठियो कि यार एक ठंडा ओवर की वजह से हम इतनी दूर आवे, यार अगर जुनून है ना पतंगबाजी को लेकर तो फिर मायने ही नहीं रखता कि तुम ठंडा ओवर की वजह से आ रहे, मायने ये रखा है कि तुम दूसरे की जगह पर आ गए उसको धूल चटा कर जा रहे, थारा भी नाम होगा भाई, देखो कौन सा कहा भाई आया था यहाँ तक, प्रॉपर वीडियो ब्लॉग बनेगा, और क्या पता तुम्हें आगे टूर्नामेंट में खेलने का मौका मिले, समझो चीज़ों को, ठीक है? तो आलकस बिल्कुल ना करियो, क्योंकि हम आलकस नहीं कर रहे तो भाई तुम आलकस क्यों कर रहे, हम तो तुम्हें दे ही रहे बीच में कुछ ना कुछ। और दूसरी बात, या तो है चलो गिव वे वाली टूर्नामेंट, आगे जो टूर्नामेंट होगी वो एंट्री वाली टूर्नामेंट होगी, उसे भी कराऊंगे, बस आपका सपोर्ट बना रहना चाहिए, बाबा की दया लाड़ ले। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दियो भाई, मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट व्लॉग पे, तब तक के लिए गाइस जय भारत।